अवकाश के बाद खुली मंडी तो टूट गया आवक की अब तक के सभी रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं निर्मला वशनारिया और आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मंदसौर जिले की विशेष बड़ी खबर। चार दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को कृषि उपज मंडी खुली तो यहां व्यवस्था ही बेपटरी हो गई। बम्फर आवक से मंडी में आवक के अब तक के रिकॉर्ड टूटे और 55,000 से अधिक की आवक हुई। अप्रैल में ही पहले सप्ताह में 50,000 से अधिक आवक हुई थी, लेकिन अब तो इससे भी अधिक रही। इधर जितनी प्रांगण के अंदर आवक थी उतनी ही उपज अपने वाहनों में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कतारों में खड़े किसान करते हुए दिन भर नजर आए। तेज गर्मी और धूप के बीच ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे ही छाया में ही किसान सुकून तलाशते रहे। लहसुन और गेहूं की अत्यधिक आवक हो रही है। मंडी में अब 2-3 दिन तक हालात सामान्य नहीं होंगे। रबी सीजन की बम्पर आवक के कारण मंडी के इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था ही सिमटी हुई नजर आई। वहीं मंडी प्रांगण बोना साबित हुआ तो प्रशासनिक इंतजामों की सांसें फूल गई। बम्पर आवक से मंडी में आवक के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तेज धूप के बीच अपनी उपज बेचने में किसान मंडी में डेरा डाले जमा रहे। आवक ने तमाम इंतजामों को समेट दिया। गेहूं की 14,000 तो लहसुन की 28,000 आवक हुई। जितनी आवक मंडी प्रांगण में हुई उतनी ही उपज लिए किसान मंडी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आवक भरपूर पर अफसर संभाल नहीं पा रहे व्यवस्था। मंडी में इन दिनों रबी सीजन की उपज की बम्पर आवक हो रही है तो लहसुन से लेकर गेहूं व सोयाबीन की आवक अत्यधिक हो रही है। दाम अच्छे होने के साथ ही आवक बढ़ रही है, लेकिन किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही। मंडी के अधिकारी यहां की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे और किसानों की सहूलियत नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण किसान हर दिन यहाँ परेशान हो रहे। किसानों की परेशानियों और असुविधाओं के बीच किराना से जुड़ी जिंसों की आवक तो लगातार कम होती जा रही है। 55,843 बोरियों की रही आवक। इतनी ही उपज लिए किसान खड़े बाहर। अवकाश के बाद मंडी सोमवार को खुली तो मंडी में लहसुन गेहूं रायड़ा से लेकर अन्य जिंसों की बम्पर आवक रही। गेहूं 14,000, लहसुन 28,000, सोयाबीन 3,323, मेथी 3,500, चना 700, अलसी 3,700 सहित विभिन्न जिंसों की 55,843 बोरियों की आवक सोमवार को प्रांगण में रही, लेकिन इतनी ही उपज लिए किसान मंडी के बाहर करीब 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। 2,000 से अधिक वाहन मंडी के बाहर प्रवेश के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ रात से खड़े हुए हैं। आवक और बाहर कतारें लगने के कारण महूर नीमच हाईवे पर दिन भर यातायात बाधित हो रहा है और मंडी के बाहर एक तरफ से ही आवाजाही रही। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।